राधे राधे गुरुजी। मेरे आपसे दो प्रश्न है कि पहला प्रश्न ये है कि अगर घर की जो तुलसी है वे बार बार सूख जाए तो क्या करना चाहिए? दो तीन तुलसी के पौधे लगाना चाहिए, ठीक है महाराज। दूसरा प्रश्न ये है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सबको पता है कि हमें एक दिन मरना है, फिर भी संसार के लोग हाय हाय करने में उलझे हुए हैं, यही आश्चर्य। ठीक है महाराज। महाराज जी, मेरी माता जी आपसे बात करना चाहती है। जय श्री मन नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, ये मेरा बेटा है, ये गायों की बहुत सेवा करता है। गुरु जी, इसकी बड़े होकर ये इच्छा है कि मैं गौशाला खोलूं। ठीक है, तो गुरु जी आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इससे बोलिए कि बहुत मेहनत करे। बिल्कुल गुरु जी, सर्दी के अंदर बारिश गिरती है ना तो ये बहुत रोता है गायों के लिए कि मेरी गाय दुख पा रही है। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं टीन सेट डलवा देता, मिट्टी डलवा देता, ताकि मेरी गाय आराम से रहे। अच्छा है, गौ माता की कृपा होगी। गुरुजी साइकिल से स्कूल जाता है ना तो गायों को रोक रोक के उनको प्यार करता है, उनको देख के जाता है। मेरे से बहुत सारी रोटी बनवा लेगा गुरुजी और गायों को खिलाने जाएगा। अपने आप गुड़ का कार्टून लेके आता है, खूब गायों को गुड़ खिलाता है गुरुजी। अच्छा है, गौ माता की कृपा निश्चित होगी। आप इसको पर ये बोलिए सर, मेहनत गुरुजी मेहनत करे। गौ माता के ऊपर, गौ माता को जो खिलाता पिलाता है और जो गौ माता में श्रद्धा रखता है, निश्चित गौ माता उसका कल्याण करती है सब प्रकार। गुरुजी मेरी तो खुद की इच्छा है कि भगवान इसकी इच्छा पूरी करे, ये बड़ा होकर गौशाला ही खोले गुरुजी। बिल्कुल। जय श्री मन नारायण गुरुजी। मैं, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, बस आपसे मिलने आई हूँ। जब से आप जयपुर आए मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो आज आने का मौका मिला है, आपके लिए छोटी सी भेंट लाई हूँ। और मैं सारे यूथ को यही बोलना चाहूंगी, आपकी कथाएं सुने चाहे आधा घंटे ही सुने, लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इसमें। जी सही है। एक मिनट ले लेना आप। और गुरुजी मेरी माता जी को राधे राधे बोल दीजिए और नाना नानी को भी। बिल्कुल, सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मैं जालोर से आई हूँ आपकी कथा सुनने। जी आपसे गुरु मंत्र लेना है कल 9 बजे, और मेरे परिवार को आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए, सबको आशीर्वाद है। जय श्री मन नारायण गुरु जी। गुरु जी एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी है, इसके लिए मैं सॉरी मांगूंगी आपसे। ये जो क्वेश्चन टाइम आपके पास कम होता है, ये तो आपको ही पता है गुरु जी, और इतनी लंबी बातें, तो कुछ भक्त रह जाते हैं, दूर दूर से आते हैं। सही। तो मैं गुरु जी ऐसा कुछ सिस्टम करो, ये कहो जो जरूरी बातें हो जो पूछने। आप देखो शुरू में ये अलाउंस कर दिया जाता है, पर फिर भी तो लोग नहीं। आप भी परेशान होते हो, ये भैया ही परेशान होते हैं। सही है, हैं तो गुरुजी सिस्टम कुछ घर गृहस्थी की बातें, पर्सनल बात करो। बिल्कुल, आप जैसे समझदार लोगों की जरूरत है। तो पर्सनल बातें करो, दो बातें पूछनी है। बिल्कुल गुरुजी, जो मतलब गुरु नहीं बनाते तो वो लोग क्या माला जप सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? 2, 4, 5 बिल्कुल, जितनी। नंबर दो बात गुरुजी की, शिव जी का व्रत है पुरुषो, मैं नाम व्रत भी भूल गई, पशुपतिनाथ का, वो हम कर सकते हैं गुरुजी? हाँ, कोई भी। हाँ तो सर गुरुजी, आप भी, मैं आपसे बोला है, बुरा मत मानिएगा, कि जो ये सिस्टम है ना, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा आप प्लीज। कोई बात नहीं, अब देखिए आपके बगल में मैया खड़ी हैं, सबको बात करनी होती है। सॉरी गुरु जी, मैंने इनके हाथ से माइक। कोई बात नहीं, मैं आप तो बोलो, काफी देर से खड़ी थी। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे कुछ काम जो है वो बहुत रुक रुक कर होते हैं, होते ही नहीं है और होते होते भी बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है हमारे साथ, जबकि मैं बहुत ज्यादा भक्ति में वो रहती हूँ, मेरे शायद दिन रात। मैया जी जो भक्ति आप करती हैं उसका फल तो मिलेगा, पर जो काम रुक रहे हैं उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आप चिंता ना करिए, भगवान रुक रहे हैं पर रुकेगा नहीं, है ना, रुक रुक के चलेगा। गुरु जी मेरे परिवार को आप आशीर्वाद दीजिए, मेरा परिवार पूरा। भगवान सबके काम बनाते हैं, आपके बनाएंगे। हेलो जोगजू महाराज जी। महाराज मर कई परसों धार्मिक कार्यक्रम कथा मर आऊं, मार लुगाई को नहीं आऊं, कुछ चार नट जिया बासी को नशी। कौन सी भाषा, हिंदी बोलिए आप। मेरी पत्नी को नहीं आ रही है, मैं बहुत बरसों से कथा मार रहा हूँ, बासी को नशी महाराज को या बिन आपा को कोई नहीं आती कथा में, कोई नहीं सार, हमेशा नटे नटे है, हमेशा लड़ती हैं। आप पत्नी को नहीं आओ सा हमारे बाप।
आराम से महाराज मैं तो कई बरसा कथा मारी हूँ, मारी पत्नी को कुछ दिया डट गया कि मैं कौन जाऊँ कौन जाऊँ, महाराज कोई उपाय कौन गए क्या कह रहे हैं? पत्नी साथ को नहीं हमारे कई बरसों मारी हो खत्म। आपकी पत्नी आपका साथ नहीं देती? पत्नी मन उन आओ को नहीं खत्म बाशी है कड़ा। आपकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि कई बरसों से महाराज जी कई बरसों से महाराज जी मैं पत्नी कथा सुनने नहीं आती, पत्नी कथा सुनने नहीं आती, उनको पकड़ के लाना आप पति हो जबरदस्त, चल गोदी में लेके आना, चल आज लेके चलूंगा और बिठा देना यहाँ कल लाके।